खून बढ़ाने का ऐसा तरीका जो हर उम्र में काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, खून की कमी यानी कि एनीमिया तब होता है जब शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने लगती है। लाल रक्त कोशिकाओं का काम हीमोग्लोबिन बनाना होता है, जो आयरन रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब आप एनीमिया से पीड़ित होते हैं तब रक्त आपके अंगों और ऊतकों को उचित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं दे पाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिन पुरुषों में 13 ग्राम प्रति डेसिलीटर शरीर में हीमोग्लोबिन है उनमें रक्त की कमी है। महिलाओं के लिए 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होना रक्त की कमी माना जाता है। एनीमिया कई प्रकार का होता है, लेकिन निर्भर करता है उसके क्या कारण हैं और किस तरह के लक्षण हैं। महिलाएं और जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनको एनीमिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जैसे गर्भावस्था, अल्सर, कैंसर, खून बहने की परेशानी, अन्य पुरानी बीमारियां, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसी कमी के दौरान एनीमिया हो सकता है। कुछ प्रकार के एनीमिया अनुवांशिक भी होते हैं। एनीमिया के आम संकेत भी हैं, जैसे थकान, पीली त्वचा, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, ऊर्जा की कमी, बालों का झड़ना और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। आप आसानी से कुछ प्रकार के एनीमिया का इलाज घरेलू उपचारों से रोक सकते हैं। जब तक आपके हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य न हो जाए तब तक इन उपायों का जरूर पालन करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। अनार में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, आयरन और विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, खून की कमी दूर करने के लिए अनार का जूस सर्वोत्तम घरेलू नुस्खा माना जाता है। तो खून की कमी की पूर्ति के लिए आप नियमित रूप से दिन में 2 बार अनार के जूस का सेवन कीजिए, और इस प्रयोग को तब तक कीजिए जब तक कि खून की कमी पूरी न हो जाए। इसके अलावा आप अनार के दानों को सीधा सेवन कर सकते हैं। एनीमिया के उपचार के लिए अनार को विकल्प के रूप में चुना जाता है। अनार आयरन और विटामिन से समृद्ध होता है। आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करेगा और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करेगा। टमाटर, आमतौर पर लोग सलाद और सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए अक्सर टमाटर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सेहत से जुड़े टमाटर के फायदे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सर्दियों में टमाटर का सूप भी लोगों के बीच बेहद पसंद किया जाता है। टमाटर हमारी सेहत को नहीं बल्कि खूबसूरती को भी बरकरार रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। टमाटर एक सब्जी ही नहीं बल्कि यह पौष्टिक फल भी होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको टमाटर का सेवन करना चाहिए। टमाटर में कैल्शियम, फास्फोरस और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो खून बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। टमाटर शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे कई रोगों का निदान किया जाता है। टमाटर शरीर से खासकर गुर्दे के रोग के जीवाणुओं को निकालता है। संतरा एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। संतरे में विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। संतरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनमें विद्यमान फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, खनिज एवं विटामिन शरीर में पहुंचते ही शरीर को ऊर्जा देना प्रारंभ कर देते हैं। संतरे के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, त्वचा में निखार आता है तथा सौंदर्य में वृद्धि होती है। संतरा कई रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। संतरे के सेवन से खून की कमी दूर हो जाती है तथा खून साफ भी रहता है। वैसे तो संतरे में विटामिन सी के अलावा कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन संतरे को सही समय पर खाना जरूरी है। संतरे को कभी भी एकदम सुबह और रात में नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि संतरे को हमेशा दिन में ही खाएं। अंगूर, ज्यादातर लोगों को अंगूर पसंद आते हैं क्योंकि इससे हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन कम ही लोग अंगूर के फायदों के बारे में जानते हैं। सभी फलों की तरह अंगूर भी निसंदेह एक हेल्दी फ्रूट है। अंगूर का सेवन करने से हमें कई रोगों से दूर रख सकता है। अंगूर कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद हो सकता है। साथ ही अंगूर आंखों की रोशनी के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। अंगूर में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिट्रिक एसिड, सल्फेट, मैग्नीशियम। आपको यह भी जानकर हैरानी हो सकती है कि अंगूर डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद होता है।
साथ ही माना जाता है कि यह खून की कमी को दूर करने के साथ कैंसर जैसे घातक रोगों से भी बचाव कर सकता है। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ऐसा रसीला फल है जो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, आयोडीन, फोलेट, ओमेगा 3, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी और सी के गुणों से भरपूर स्ट्रॉबेरी का सेवन आपके शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। सफर फूड माने जाने वाला स्ट्रॉबेरी का रोजाना सेवन डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों के साथ साथ इसके सेवन से खून बहुत जल्द बनता है तथा खून साफ भी रहता है, इसलिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से आप अपने शरीर में विटामिन सी की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चुकंदर। चुकंदर का जूस पीने से शरीर के अंदर खून बहुत जल्द बनता है। खून बढ़ाने के लिए आपको इसे रोजाना नियमित रूप से खाने से आपका खून साफ रहेगा और शरीर में खून की कमी भी नहीं होगी। चुकंदर खाने से जोड़ों का दर्द बहुत अच्छी तरह से दूर हो जाता है। चुकंदर से लीवर को भी शक्ति मिलती है। चुकंदर दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चुकंदर एक तरह का मीठा, पुष्टिकर और मानसिक तरावट बढ़ाने वाला फल होता है। आप चुकंदर की सब्जी बनाकर या इसे कच्चे भी खा सकते हैं तथा इसका रस भी पी सकते हैं। इसके लिए एक या दो चुकंदर और साथ ही आधा कटा हुआ नींबू लें और फिर चुकंदर को धोएं और छिलकर काट लें। अब मिक्सर का इस्तेमाल करके चुकंदर को ब्लेंड कर लें। एक गिलास में मिश्रण डालें और आधे नींबू को इसमें निचोड़ें। मिश्रण को चम्मच से अच्छी तरह चलाएं और पिएं। वर्कआउट से एक घंटे पहले या नाश्ते के समय इसका सेवन करें। खासकर वर्कआउट से एक घंटे पहले या नाश्ते के समय इसका सेवन करें। चुकंदर को आयरन और फोलेट का अच्छा स्रोत माना गया है। शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है। आयरन की पूर्ति के लिए चुकंदर का यह उपाय नियमित रूप से किया जा सकता है। एनीमिया का एक कारण शरीर में फोलेट की कमी भी है, इसलिए इसकी पूर्ति चुकंदर के माध्यम से भी किया जा सकता है। फोलेट एक प्रकार का विटामिन बी है, जिसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है। शरीर में फोलेट एसिड की पूर्ति होने से भी एनीमिया से बचा जा सकता है। गाजर। गाजर के एक गिलास जूस को पीने से शरीर में खून की वृद्धि होती है। मधुमेह की बीमारी को छोड़कर गाजर का हर एक रोग में सेवन किया जा सकता है। गाजर के रस में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के मिलते हैं। गाजर का जूस पीने या कच्ची गाजर खाने से कब्ज की परेशानी खत्म हो जाती है। यह पीलिया की प्राकृतिक औषधि है। इसका सेवन ब्लड कैंसर और पेट के कैंसर में भी लाभदायक होता है। आंखों को दुरुस्त और शरीर को तंदुरुस्त रखने वाला गाजर खाने से पेट भरा भरा लगता है। इससे नींद अच्छी तरह से आती है और कैलोरी भी बर्न होता है। आप एक गिलास गाजर का जूस पिए या फिर दो गाजर खाएं। इससे न केवल आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी बल्कि खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। सेब। दोस्तों, खून की कमी को पूरा करने के लिए ताजे एप्पल का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। एप्पल में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना एक गिलास एप्पल का जूस नियमित रूप से पीजिए। और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप इसमें एक गिलास चुकंदर का जूस, 2 से 3 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इससे शरीर में खून तेजी से बढ़ने लगेगा और खून की कमी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अगर आप अस्थमा से ग्रसित हैं तो सेब खाने के फायदे मिल सकते हैं। सेब फ्लावोनोइड से समृद्ध होते हैं। फ्लावोनोइड को अस्थमा से आराम दिलाने में लाभदायक माना गया है। फ्लावोनोइड में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही इसमें एंटी अस्थमेटिक गुण भी पाए जाते हैं, जो अस्थमा के खतरे को कम कर आपको बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सेब खाने की फायदे की बात करें तो यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर कर आपके लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में बेहद मदद कर सकता है। सेब के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में डिटॉक्सिफाई एंजाइम का प्रवाह बढ़ाते हैं। यही वजह है कि सुबह उठकर एक सेब खाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके लीवर को साफ करने में मदद मिलती है। गिलोय। गिलोय का जूस प्लेटलेट्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। इसके लिए 2 चुटकी गिलोय में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। इसके अलावा गिलोय की डंडी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका छना हुआ पानी पी लें। इससे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसके अलावा गिलोय एक नेचुरल जड़ी बूटी है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। यह एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है जो जर्म से लड़ता है, आपके सेल्स को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। गिलोय के सेवन द्वारा खून को साफ करना, बैक्टीरिया को मारना, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। गिलोय का प्रयोग आंखों की समस्या भी दूर करती है। इसके उपयोग करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम बिना चश्मे के भी साफ देख सकते हैं। यहाँ तक कि भारत के कई हिस्सों में इसका उपयोग सीधे आंखों पर किया जाता है। इसके लिए गिलोय को पानी में डालकर इसे उबालते हैं, फिर उस पानी को ठंडा करके अपनी आंखों के पलकों पर लगाते हैं, जिससे आंखों से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धन्यवाद।